बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलू, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत कर। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके। नहीं, जल्दी घर आ गया। अरे तेरे आकेश्वर का पाटिया उतर गया क्या? देख दादी, मैं तेरे लिए नारियल पानी लाया हूँ। अभी क्यों मारा? नारियल पानी ताकि मुझे सर्दी हो जाए, फिर बुखार, फिर निमोनिया, फिर उसी से मैं मर जाऊँ, यही ना? याद रखना दुर्जन, मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। बेवकूफ औरत, मरे हुए वापस कहाँ से आएंगे? जमीन की छाती फाड़ के आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे। ये घर है कि कच्चर खाना? माँ मत बुला मुझे, माँ कुछ तो ख्याल किया होता मेरे बुढ़ापे का, अब उसकी गोदी में क्या घुसकर बैठा? चल हट यहाँ से। Let me talk to her. खबरदार, जो मेरे बेटे को हाथ लगाया डायल, एक माँ का श्राप लगेगा तुझे। तो अब आप मेरी भी एक बात सुन लीजिए, आप अपनी जायदाद चाहे किसी को भी दे दें, लेकिन बेटा कहलाने का हक अगर आपने मेरे बेटे के सिवा किसी और को दिया तो आपसे अपनी चिता जलाने का हक भी छीन लूंगी। कितनी बार कहा इनू, रंजीत के साथ मत खेला करो। लेकिन मामा, वो जा, मैं जाके नहा लो, फिर मैं डेटॉल लगा देती हूँ। यहाँ क्या कर रहे? मैं प्रार्थना कर रहा था। कहाँ भाग गए थे? घर। घर? डॉक्टर बनर्जी के घर। कहकर क्यों नहीं गए? मैं डर गया था। मालूम है तुम्हारी वजह से डॉक्टर कुलकर्णी ने कितना डांटा है मुझे। तो क्या हुआ, आप भी तो डांट रही है मुझे। बातें बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा, इसलिए तो भाग गया था। बातें किए बगैर मैं रह नहीं सकता, और आप मुझे चुपचाप कैबिन में सुला देना चाहती थी। मैं क्या अपने लिए सख्ती करती हूँ? तुम लोगों को तो बच्चों की तरह संभालना पड़ता है, और माएं क्या डांटती नहीं बच्चों को। हाँ, बाद में मुझे भी यह ख्याल आया कि सब लोग आपको सिस्टर क्यों बुलाते हैं, मदर बुलाना चाहिए। मैं मदर मैटर्न बुलाऊंगा। कहना मानोगे ना माँ का? ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, अनदेखा अनजाना कोई आने लगा। अरे तो क्या हुआ? नहीं माँ, इसे सिर्फ मैं ही पढ़ सकती हूँ। इतनी मजे मजे की बातें लिखी है, मुझे पढ़ने देना। बिल्कुल नहीं, ये प्राइवेट डायरी है। मुझसे भला क्या पढ़ता? देख, जब लड़की जवान हो जाती है तो माँ उसकी माँ नहीं रहती, सहेली बन जाती है। देना। तुम किसी को बताओगी तो नहीं ना? कभी नहीं। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ, तुम सुनो। ठीक है। अगर फिजिक्स में थोड़ा और इंटरेस्ट होता तो। पर इंग्लिश में टॉप है। इंग्लिश में शी इज एक्सलेंट।